तो अनफॉर्चुनेटली आज है हमारा लास्ट दिन इस रिजॉर्ट पे, बट मालदीव सीरीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी हमें जाना है दूसरे रिजॉर्ट चेक इन करने, एंड मैं वहाँ का भी आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो हम अपना इस रिजॉर्ट का लास्ट सनसेट इन्जॉय करने आए हैं। और अब हम जा रहे हैं जो सी के बीच में हैमक मैंने आपको दिखाया था उस पर, ये है वो हैमक जिसकी मैं बात कर रहा था। इस साइड सारे वाटर विलाज हैं और उसके ऑपोजिट इन्होंने ऐसे बीच पे हैमक लगाए हुए हैं चिल करने के लिए। वेरोनिका इज़ इन्जॉइंग, यू चिलिंग। एक तो ये वाले हैमक्स हैं जो इन्होंने बीच पे लगाए हुए हैं, बट इन्होंने सी के भी मिडल में हैमक्स लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है इस वक्त, एंड आज रात को यहाँ पे बॉलीवुड नाइट है, तो मैं आपको पूरी बॉलीवुड नाइट दिखाऊंगा यहाँ मालदीव्स में। सो आज है आखिरी रात इस रिजॉर्ट में, एंड अब हम जा रहे हैं डिनर करने। आज है यहाँ पे बॉलीवुड नाइट, तो इन्होंने सारा इंडियन खाना तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है, इन्होंने हमारे लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया है बाय द बीच। और ये है मेरी प्लेट, आई गॉट सम लैम रोगन जोश, ये है मटन रोगन जोश, चिकन बिरयानी साथ में नान, एंड हियर आई हैव सम बटर चिकन। रानिका, व्हाट डिड यू गेट? So I got some potato pakora, okay. Some coleslaw and different kind of salad, and also fish kebab, naan. Everything is good? Everything is really good. Let me try it. इंडियन खाना बहुत ही टेस्टी था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना अच्छा इंडियन खाना मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर जो शेफ थे वो 100% इंडियन थे, एंड नाउ वी आर बैक इन द विला, एंड लास्ट नाइट इस रिजॉर्ट की हम इन्जॉय करेंगे अपने प्राइवेट पूल में। आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट द चांस टू हैव अ प्राइवेट पूल अगेन, क्योंकि कल जिस रिजॉर्ट में मुझे चेक इन करना है वहाँ हमारा बीच विला है, वाटर विला नहीं। सो आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अनदर डे इन ब्यूटिफुल मालदीव्स, एंड मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ एक कॉफ़ी से विद अ ब्यूटीफुल व्यू। पीछे इतना प्यारा व्यू है, एंड अभी आधे घंटे में हमारा ब्रेकफास्ट है, बट नॉर्मल ब्रेकफास्ट नहीं, एक बहुत ही स्पेशल ब्रेकफास्ट है। यहाँ मालदीव्स में अगर आपने वाटर विला बुक कराया हुआ है विद अ प्राइवेट पूल, तो एक ये बहुत ही स्पेशल टाइप का ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। अभी मैं आपको सारा दिखाता हूँ, अराउंड आधे घंटे में हमारा ब्रेकफास्ट है, तब तक मैं कॉफ़ी फिनिश करता हूँ। It looks so beautiful. I don't know if I want to eat it. Me too. Wow. Look at this breakfast. So yahan breakfast mein hamare paas hain waffles, bread basket, fruit platter. This is eggs benny on a toast with salmon and avocado. And wahan pe hamari rakhi hai iced coffee. Ready to dig in? Yeah. They know what we like. Yes. अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करा है, और अब इसके बाद हमें अभी 3 घंटे बाद चेकआउट करना है, तो उससे पहले हमारा लंच यही है, तो मैं आपको लास्ट लंच भी दिखाऊंगा इस रिज़ॉर्ट का। और देन हमें जाना है सी प्लेन लेके दूसरे रिज़ॉर्ट। जब सी प्लेन लेके हम इस रिज़ॉर्ट में आए थे, तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाया था क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे, बट अब आपको अच्छे से दिखाता हूँ पूरा सी प्लेन। तो ये चल रही है सारी पैकिंग, ये है मेरा गियर का बैग गोरिल्ला पॉड, ये है मेरा मेन ट्राईपॉड, उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे एक्शन कैमरा, ये सारी हार्ड डिस्क वगैरह है, ये है मेरा टेलीफोटो लेंस, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सारे गियर के ऊपर। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सनग्लासेस, हैट्स, ये चीज़ें बिल्कुल मस्ट हैं अगर आप आइलैंड पे आओ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है। और मेन बैग्स हमारे सारे पैक्ड हैं, हमें 2-3 घंटे में बस निकलना है यहाँ से। बट रियली आई विल मिस दिस प्लेस, वाटर विला पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस इन माई लाइफ। नाउ दूसरे रिजॉर्ट में हमारा बीच विला है, तो उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बीच पे नहीं जा पाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं पे सी में स्नॉकलिंग कर रहे थे, बट वहाँ हमें बीच एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। What's up? All packed? Yeah, I'm ready to go. To the next island? Let's see. So let's see how different that island will be. I'm really excited to do some snorkeling there. Yes, उस आइलैंड पे हमें बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करनी है। यहाँ पर हमने वाटर एक्टिविटीज़ इसीलिए नहीं की क्योंकि वहाँ हम सारी करेंगे। And how did you like your floating breakfast? It was
really amazing experience. It was so different. Like, at first I felt so weird, like, eating in the water. Yeah, but it was... It's one of a kind experience. Yeah, but it was so delicious as well. Really fun, really fun. As usual, we are going to garden restaurant lunch karne, check out se pehle. Which restaurant did you like the most? Because I think we went to the garden, the sand, the Asian... No, the Japanese, the Italian. So, for me, Italian and Indian was the best here. Yes. What do you think? Exactly. सबसे बेस्ट मुझे लगा इंडियन फूड जो कल हमने रात को खाया था एंड उसके बाद जो हम इटालियन रेस्टोरेंट गए थे वहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस था. उसके अलावा अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो लंच ओके ओके है गार्डन रेस्टोरेंट में. लाइक इट्स नॉट बैड और एनी थिंग बट इट्स नॉट माई फेवरेट. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think so too. And what I also liked was the cocktails. Yes. Those were really good. Yeah. But I didn't like desserts that much. Yes, exactly. मैंने ज़्यादा cocktail try नहीं करी. Veronica had them, and like मैंने एक दो sip ली थी. So yeah, they were really nice. उसके अलावा Veronica is right. Dessert is not the best. And एक चीज़ जो ये definitely improve कर सकते हैं वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा fresh seafood include करें अपने खाने में. Because it's an island, so they should have lots of fresh seafood. But मुझे seafood personally इतना दिखा नहीं किसी भी lunch में या फिर dinner में. मैंने स्टार्टर्स में ऑर्डर किया हवाईयन पोक. मैं ये डेली ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा. इट्स विद फिश राइस सम एडामामे बीन्स मैंगो पोमोग्रेनेट एंड वेरोनिका गॉट फिश सैलड. लुक्स वेरी डिलिशियस. फाइनली चेकआउट कर लिया इस रिजॉर्ट से. अब हम वेट कर रहे हैं सी प्लेन की. अराउंड एक घंटे में यहाँ सी प्लेन आएगा. ये इनका पोर्ट है जहाँ सी प्लेन आता है. इसके बाद हमें जाना है मीरू आइलैंड रिजॉर्ट जो यहाँ से 30 मिनट की सी प्लेन राइड दूर है. तो वहाँ का भी मैं आपको सारा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, चेक इन प्रोसेस वगैरह सब कुछ. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस आइलैंड पर स्टे करने का. बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है. इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी वेरी प्रीटी. बट अब हम जिस आइलैंड पर जा रहे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें होंगी करने के लिए और वहाँ पर हम सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी करेंगे. इस आइलैंड पर मैंने इसीलिए वाटर एक्टिविटीज़ नहीं की क्योंकि मैंने सारी एक्टिविटीज़ दूसरे आइलैंड के लिए प्लान करी हुई हैं, चाहे फिर वो जेट स्कीइंग हो, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग. सारी चीज़ें हम वहीं करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा. तो सी प्लेन ने हमें एयरपोर्ट तक छोड़ा और यहाँ से हमें स्पीड बोट लेनी है दूसरे आइलैंड तक. एंड ये फॉर्म हमें भरने हैं दूसरे आइलैंड पर जाने से पहले. आई थिंक सम काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म. बाय. हेलो. यार नेटवर्क कट के एक एक मैं Thank you. It's very sticky. तो 40 मिनट की सी प्लेन और एक घंटे की बोट राइड के बाद वी आर फाइनली एट द मीरू आइलैंड रिजॉर्ट. ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है उस पहले वाले आइलैंड से. इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट राइट. जस्ट लुक एट दिस जंगल. Idea with these wet towels, you can instantly refresh yourself. सबसे पहले आई है welcome drinks. Especially after you are coming back after a long flight, this is. Yeah, so after nice. This boat ride and seaplane ride, तो इन्होंने serve करी है यहाँ की tropical kind of drink. Tea, I think. Let's see. It is iced tea. Yes, black tea, very sweet. But गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
But I really can't express how I love this place. Yeah, already, right? इस आइलैंड की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले से. यहाँ पर बहुत सारे और पाम ट्रीज हैं. इट लुक्स लाइक अ जंगल लिटरली. ये आइलैंड मैं नेक्स्ट व्लॉग से कवर करूंगा पूरा. तो आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. एंड एक चीज मैंने नोटिस करी कि काफी सारे लोग मेरी वीडियोज रेगुलरली देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो आई विल रियली रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल. इट विल हेल्प मी अलॉट. सो थैंक यू सो मच इन एडवांस अगेन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.